किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड हैंड ट्रैक्टर। ये है आइशर 2003 मॉडल और 4,05,000 की उन्होंने डिमांड कर रखी है भाई। खेत में काफ़ी चला रखा है। मैं दिखाता हूँ, टायर हैं इसके नए ही डलवाने पड़ेंगे आपको। पीछे से दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। सीट वगैरह तो बिल्कुल सिंपल लगा रखी है इन्होंने, पेंट वगैरह यहाँ पर कर रखा है, नए मरगाड़ लगे हुए हैं इसके। और अभी इसके साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला भाई, प्रीत DI 60। ये ट्रैक्टर भी काफ़ी कम मंडी में देखने को मिलता है भाई। अब नए वाले ट्रैक्टरों की लुक को काफ़ी चेंज कर दिया गया है इस पुराने की लुक से। इसे मैं दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से। पीछे वाले टायर इसके बिल्कुल ख़त्म ही है, नहीं है भाई, 20% के आसपास आए हैं, और आगे वाले तो बिल्कुल नए हैं भाई। ये देखिए, MRF का मार्का भी यहाँ से उतरा हुआ नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ तो 2005 मॉडल है और 1,70,000 की डिमांड की है भाई इन्होंने। इंजन कंडीशन देख चेक कर लीजिए आप, सिंपल गियर में आता है। सीट वगैरह भी अच्छी है, रखी छतरी वगैरह भी आपको साथ में मिलेगी। साउंड सिस्टम गायब है भाई ज़्यादातर ट्रैक्टरों का। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ KS का। ये पुराना रिपर 2012 मॉडल है और 1,25,000 की इन्होंने डिमांड की है भाई। इन भाइयों ने डिमांड ज़्यादा नहीं की है, अच्छी डिमांड की है। तकरीबन इसी के थोड़ा बहुत कम आपको मिल जाए तो ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ इसको। ये देखिए इसकी आप आगे से कंडीशन। टायर भाई आपको एक सीजन दो सीजन तो चल सकते हैं भाई, उसके बाद चेंज करवाने पड़ेंगे। और आप पीछे से दिखाऊँ तो मैं, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसकी, आप देख सकते हैं इन्होंने तो भाई बंद कर रखा है पीछे से। मैं कैसे दिखाऊँ, वैसे आप ख़रीद सकते हैं इसको। अगर आप पुराना कोई भी KS का या किसी का भी रीपर ख़रीदें तो इनको खोल करके पीछे से अवश्य चेक करें, क्योंकि इसके पीछे होल हो जाते हैं इस बॉडी में ज़्यादा चलने के बाद। नए नए तो इसे कुछ नहीं होता, उसके बाद में इसे पीछे से होल हो जाते हैं, और यहाँ पर ये वाली जो चादर है ये दोबारा लगवानी पड़ती है भाई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ।